नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम उन्हीं टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है महो जमा शब, महाजमा शब या फिर महाजमा उत्सव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाजमा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रहीन में समास है तो नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है। तो नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। विश्वास का विशेषण क्या है? तो विश्वास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विश्वास शब्द का जो विशेषण है वो कौन सा होगा? विश्वस्त इसका विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन का पर्यायवाची क्या है? तो दिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है वासर, बी द्विज, सी प्योधर, डी उदक। तो दिन शब्द का पर्यायवाची होगा वासर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वासर। विनायक का संधि विच्छेद है तो विनायक का इनमें से कौन सा संधि विच्छेद है? विन जमा आयक, विनय जमा एक, विनय जमा अक या फिर विनाय जमा एक। तो इसका सही आंसर होगा विनय जमा अक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुशब्द कौन सा है? तो इनमें से सुशब्द कौन सा है? तो देखिए पूर्व को किस तरह लिखा जाता है, तो पूर्व को इस तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पूर्व इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। चीक का बहुवचन क्या होगा? तो चीक शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है चीखना, बी चीखें, सी चीखों, डी चीख। तो चीख शब्द का बहुवचन क्या होगा? चीखें इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हम कुछ बिलोंग शब्द करेंगे। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूड़ी शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है चूड़ी, बी चूड़ियाँ, सी चूड़ीनुमा, डी चूड़ीदार। तो चूड़ी शब्द का विशेषण क्या है? चूड़ीदार इसका विशेषण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शक्तिहीन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी द्वंद, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो शक्तिहीन में कौन सा समास है? शक्तिहीन में है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो इनमें से यौगिक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है पीताम्बर, बी पुरुषोत्तम, सी गिरधर, डी मदिराल्य। तो यौगिक शब्द है मदिराल्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जंगल की आग के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो जंगल की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन है भर्ता, बी बधिर, सी दावानल, डी भ्रममूलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। पुरुषोत्तम में समास है, तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाथ उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आशा छोड़ना, बी आश्रय देना, सी आरंभ करना, डी सहायता बंद करना। तो इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवालय में कौन सा शब्द है? तो देवालय कौन सा शब्द है? देवालय रूढ़ी है, यौगिक है, योग रूढ़ी है या इनमें से कोई नहीं? तो देवालय कौन सा शब्द है? देवालय यौगिक शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजभवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद, डी बहुव्रीहि। तो राजभवन में कौन सा समास है? राजभवन में द्वंद समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा द्वंद। शीत का विशेषण है, तो शीत शब्द का विशेषण क्या होगा? शीतल, शीत या शीतलता या इनमें से कोई नहीं। तो शीत शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शीत शब्द का विशेषण क्या होगा। यम का पर्यायवाची है, तो यम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देहपात, परम गति, परम पद या फिर कृतांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा परम गति। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी पूरी सॉल्व्ड पीडीएफ आंसर के साथ। वहां जाकर आप इनके आंसर देख सकते हैं। चयन का संधि विच्छेद है, तो चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
चयन शब्द का संधि विच्छेद होगा चे जमा अन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद, बी बहुब्री, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थकान में कौन सा प्रत्यय है? थकान में थक है, आन कान है, या न है, या आन है। तो थकान में आन प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आन। रजनी का पर्यायवाची क्या है? तो रजनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए यामिनी, बी मनीषा, सी तरुणी, डी दामिनी। तो इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए यामिनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम विलोम शब्द करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भी कुछ देखने को मिल जाए, जैसे कि आपका HP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया या फिर HPSSC के अन्य एग्ज़ाम हो गए। तो दे शब्द का विलोम शब्द होता है अदे। उत्थान का विलोम पतन। अर्थी का विलोम शब्द होता है प्रत्यर्थी। अग्र का विलोम शब्द होता है पश्चात। अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार। अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। और अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। इस तरह से पुरातन की बात करें, पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का विलोम होगा नूतन। निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। और मूक का विलोम शब्द होगा वाचल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी। धन्यवाद।